राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 5 फरवरी यानी कि मंगलवार, दोपहर का टाइम है, लगभग 12-1 बज गया होगा आज। वैसे मेरा काम अभी तक चल रहा है, पहले मैं लग गई थी वीडियो का काम निपटाने में, क्योंकि सर्दियों में नेट की प्रॉब्लम तो रहती ही है। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले अपना वो काम निपटा लेते हैं। अभी बस वीडियो अपलोड की, उसके बाद फिर आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। बाकी का काम तो निपट गया था, बस बर्तन मैंने इकट्ठे करके छोड़ दिए थे। पहले अपना जो वीडियो का काम रहता है वो देखते हैं, उसके बाद फिर जो अपना घर का काम रहता है वो, और दोनों काम एक साथ देखने रहते हैं तो देखिए भागम भाग तो पूरा दिन रहना ही पड़ता है, पर वही अपनी रूटीन हो जाती है। और आज मौसम बड़ा अच्छा है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, कई दिनों के बाद मौसम साफ़ हुआ है। वैसे तो अभी फरवरी का महीना आ गया है, आगे गर्मियां ही आने वाली हैं, पर यह है कि 2-3 दिन से बारिश का सा मौसम चल रहा था तो थोड़ी सी ज़्यादा ही चिपचिप सी हो गई है। बस बारिश और उसके बाद फिर मौसम साफ़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में तो होती नहीं है। वैसे हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा जैसे कीचड़ वगैरह नहीं होता है, रेतीली ज़मीन है, बारिश होती है और थोड़ी सी धूप निकलती है तभी सब सूख जाता है। जहाँ पर करड़ी मिट्टी रहती है ना, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और सर्दियों की बारिश में तो यही हाल रहता है, मेरे मायके की साइड थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो सब का हाल बेहाल हो जाता है। वहाँ पर वैसे इतनी ज़्यादा बारिश की ज़रूरत भी नहीं रहती है, यहाँ पर तो चाहे कितनी भी बारिश हो, और अभी फ़िलहाल खेतों में तो बारिश की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। चलो हल्की फुल्की बारिश तो हो गई है, और अभी ये भी आ गए थे खेत से आज, ये कई दिनों के बाद घास लेकर आए थे, नहीं तो कई दिन हो गए जही हमारे यहाँ ख़त्म हो गई थी। और इसलिए आज मैंने अभी तक सानी भी नहीं डाली थी। टाइम तो लगभग 3:30 या 4 बज गए हैं, बस रितिका भी आ गई थी स्कूल से, रितिका बनाएगी चाय, तब तक हम भैंसों को सानी डाल देते हैं। वैसे भी हमारे पास अभी इतनी ज़्यादा भैंस तो है नहीं, 2 कटड़ी है, 1 भैंस है, और आज भैंस हमारी इन्होंने बेच दी है। पहले हमारे पास जो भैंस थी वो तो लंबी ठाड़ी काफ़ी अच्छी भैंस थी, उसके मुकाबले में ये भैंस थोड़ी सी कमज़ोर भी है और इतनी जैसे इसकी हाइट भी नहीं है। मुझे तो ये भैंस लेकर आए थे तब से ही इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। हाँ, हमारे घर पर जो पहले भैंस थी ना, वो मुझे भी और बच्चों को, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद थी, और उसके लिए तो मैंने इनको मना भी किया था बेचने के लिए। और एक भैंस की बात रहती है कि बिल्कुल जो शुद्धी भैंस रहती है, बच्चे भी खोल लें, पानी पिला दें, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। कुछ कुछ ऐसी रहती हैं कि बच्चों को ही पास नहीं आने देती, तो उस मामले में भी वो भैंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वैसे तो ये भी कुछ नहीं बोलती है, पर यह है कि पहले एक बार लेकर आए थे, उसके बाद फिर हम सबको ये भैंस इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकर आए तब से ही। वैसे तो पशुओं का आना जाना चलता ही रहता है, एक पशु पर तो बंद कर हम बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो पहले भैंस थी ना, वो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन वो भी इन्होंने बेच दी थी, और अभी आज ये भी बेच दी है। अभी खेत से आने के बाद ही बताया है, और उसी बात पर अभी हमारी डिस्कस चल रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम पशु रखेंगे नहीं। अभी ये बेच दी है तो फिर से एक और भैंस लेकर आनी पड़ेगी, और दूध के बगैर एक निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी एकदम से भैंस चली गई है तो घर पर दूध भी नहीं रहेगा, देखते हैं और भैंस लेकर आएंगे या फिर क्या करेंगे। फिलहाल तो बस अभी इस भैंस को लेने के लिए आ गए हैं, और लेने वालों को बड़ी जल्दी रहती है। हम सोच रहे थे कि चलो इस टाइम का दूध तो निकाल लेंगे, सुबह तक का हमारा काम चलेगा, लेकिन ये दूध निकालने से पहले ही लेने के लिए आ गए थे। और कोई भी हम नया पशु लेते हैं तो उसको घर पर लेकर आने की तो हमें जल्दी रहती ही है, हम लेते हैं तब हम भी ऐसा ही करते हैं, और ये तो हमारी आदत होती ही है, हम दूसरों को बोल देते हैं और अपनी तरफ कभी देखते ही नहीं हैं। तो जी, बस चाय पीने के बाद फिर मैं बैठ गई थी कपड़े तय बनाने के लिए। अभी इनको अंदर और जचा देती हूँ, पलंग नहीं निकाला था आज मैंने, बाहर ये चटाई ही बिछा ली थी, दिन तो चला ही गया है, पलंग निकालते उसके बाद फिर अंदर बिछाते, इसलिए मैंने सोचा कि चलो चटाई ही निकाल लेते हैं। तो जी, अभी बज गए हैं 6:30, और आज मैंने कुछ भी काम किया नहीं है, मेरा सारा काम बाकी है। पता नहीं क्यों आज मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का, अंधेरा हो गया है। ये तो चले गए हैं बाहर, आज वैसे भी कुछ काम नहीं था, दूध नहीं निकालना था, भैंस चली गई है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ काम ही नहीं है, चूल्हा भी नहीं जलाया, ना तो चाट बनानी है, ना दूध गर्म करना है। बस अभी बैठे थे थोड़ी सी देर के लिए तो ये मटर छील ली थी, अभी मैं जाऊँगी अंदर गैस पर रख देती हूँ आलू उबलने के लिए। बच्चे अंदर बैठे हैं, स्कूल का काम चल रहा है उनका, तो और आज खाने में आलू मटर की सिंपल सी सब्जी ही बनाने वाली हूँ।
अंधेरा भी हो गया है, थोड़ी सी देर में अंधेरा हो जाता है। मटर छिलने के लिए बैठे थे तब तक तो ऐसा लग रहा था कि अभी काफी टाइम है और मटर छिली ही, इतनी देर में ही अंधेरा हो गया। तो जी चलिए अभी चलते हैं अंदर और अपना अंदर का काम देख लेते हैं। वैसे आज मेरा सारा काम लगभग हो ही गया है, बस खाना बनाना है और थोड़े से चाय के बर्तन रखे हैं वो साफ करनी है। तो जी अभी आलू हमारे उबल गए थे तो मैंने सब्जी छूक दी है और कुकर को साफ करके फिर से गैस पर रख दिया है। आलू मटर की सब्जी के साथ आज मैं जीरा राइस बनाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सब्जी के साथ। और एक मेरी सिस्टर है वो हमेशा यही बोलती है कि कमेंट का रिप्लाई तो करती नहीं है, बस खाना बनाती रहती है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सब बोलती रहती है। तो जी देखिए घरों में डेली डेली खाना तो बनता ही रहता है, अगर घर है तो सुबह शाम खाना बनेगा ही। वो हमारे ऊपर है कि हम डेली क्या बनाते हैं। मुझे खाना बनाना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो मैं कभी कुछ बनाती रहती हूँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि डेली डेली बाहर से खाना आ जाएगा। अगर औरत का जन्म लिया है तो घर संभालना और खाना बनाना, यही हमारा सबसे पहला काम रहता है। बाकी शायद आपके घर में ऐसा नहीं होता हो, खाना ना बनाना पड़ता हो, भाई हमारा तो यही है, खाना खाना है तो बनाना भी पड़ेगा। और जहाँ तक बात है कमेंट का रिप्लाई करने की, तो मेरी भी पूरी पूरी कोशिश रहती है आप सबके कमेंट का रिप्लाई करने का, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। और ये जो हमारी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली है, ये भी मेरे लिए अपने परिवार से कोई कम नहीं है। तो जी देखिए जैसे हम हमारे घर परिवार में कोई भी बात रहती है, जो हमारे अपने हैं उनकी बातों को हम बिना बोले ही समझ जाते हैं, तो वैसा ही हमारा है। अभी सर्दियों का मौसम है, काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो कभी कभी नहीं हो पाता है, तो इसमें नाराज़गी वाली तो कोई बात है नहीं। बाकी देखिए यूट्यूब पर हम किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। अगर आपको सामने वाले का व्लॉग पसंद है, वीडियो पसंद है तो आप देखिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो मत देखिए, क्योंकि ये हमारा घर परिवार तो है नहीं कि हम किसी चीज़ के लिए झगड़ा करेंगे या फिर ज़बरदस्ती करेंगे। किसी को अच्छे लगते हैं तो कोई देखता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है तो नहीं देखता है। और मुझे तो खाना बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं पूरे मन से खाना बनाती हूँ। तो अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है और अभी कर लेते हैं दिया बाती। आज मैंने बस दिया बाती की थी, धूमनी नहीं लगाई थी क्योंकि आज चूल्हे में आँच ही नहीं जलाई है। खाना भी सारा का सारा गैस पर ही बनकर तैयार हुआ है और इस सब्जी के साथ पूरी पराठे का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। तो बस मैंने देसी घी के गर्मा गर्म पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं और आज का डिनर मैंने मेरी पसंद का बनाया है। वैसे ज़्यादातर घर में हम सब को पूछते हैं उसके बाद फिर खाना बनाकर तैयार करते हैं, मेरा तो यही है, कभी बच्चों से पूछती हूँ, कभी इनसे पूछती हूँ, फिर उसके बाद फिर खाने में जो कुछ भी बनाना रहता है वो बनाती हूँ। लेकिन आज का डिनर मैंने अपनी पसंद का बनाया है। ऐसा कभी कभी ही होता है कि हम अपनी पसंद का कुछ बनाते हैं। तो अभी आधा खाना बनकर तैयार हो गया है, अभी लगा लेते हैं थाली। सर्दियों में सब कुछ साथ साथ ठंडा हो जाता है और जीरा राइस का तो ये है किसी भी सब्जी के साथ खाइए, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, दाल कढ़ी आलू छोले कोई भी सब्जी हो। लेकिन आज मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई है और ये देखिए आज की हमारी सब्जी भी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, वो मैं आप सबको बता देती हूँ। वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा डिनर है, पर यह है कि कभी कभी खाने में कुछ समझ नहीं आता और डेली डेली वही सब्जियां चलती रहती हैं तो थोड़ा बहुत कभी कभी हम फेर बदल कर लेते हैं ना, तो सबको खाने में अच्छा लगता है क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर घरों में एक जैसी ही सब्जियां बनती रहती हैं। पर मैं आलू मटर की सब्जी बहुत कम बनाती हूँ, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो खेत की सब्जियाँ रहती हैं ना वही बनती रहती हैं। आलू मटर की सब्जी तो मैंने पूरी सर्दियों में बस एक दो बार ही बनाई होगी। तो जीरा राइस है, साथ में आलू मटर की सब्जी है और मैंने बूंदी का रायता बनाया है और ये गर्मा गर्म देसी घी के पराठे। सलाद में मैंने प्याज और टमाटर कट किए हैं और साथ में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च तेल में फ्राई कर ली थी, सिंपल कट लगाकर नमक लगा लेते हैं और तवे पर भून लेते हैं, लेकिन ये वाली मिर्च पराठे और पूरी के साथ बहुत अच्छे लगती हैं। वैसे हम तो रोटियों के साथ भी खाते हैं क्योंकि इनको तीखा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा फ्राई करके रख लेती हूँ। और आज की हमारी स्पेशल थाली बनकर हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो जी आज की हमारी थाली तो बनकर हो गई है तैयार, ये थाली तो मैंने लगाई है बच्चों के लिए, बेटी का साथ दोनों बहन भाई आ गए हैं खाना खाने के लिए और अभी थोड़ी सी मैं बनाऊंगी इनके लिए रोटियां, पराठे मैंने हमारे लिए ही बनाए हैं तो बस अभी रोटियां और बना लेते हैं। ले ले थाली, एक चम्मच और ले ले, अरे थाली डाले तो मैं अपराध धरूंगी। के लिए हो गई बे, तीन चमचा का केकरा का मेरी ब्लैक है।
अच्छा दही की। अच्छा और बस अभी सबका खाना वाना हो गया था, बर्तन साफ किए मैंने और उसके बाद किचन को साफ किया। अभी जमा देते हैं दही, तो मैंने दूध में 2 चम्मच दही डाल दी और इसको अच्छी तरह से ढक देते हैं। और किचन में पर्दे वगैरह सब मैं रात को समेट कर सोती हूँ। वैसे तो अभी मैं दिन में भी पर्दे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अभी अंदर इतना ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है ना, तो पर्दों के पीछे चूहे बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाते हैं, तो इसलिए अभी मैं किचन के पर्दे लगभग समेट कर ही रखती हूँ ताकि इतनी ज़्यादा उथल पुथल ना हो किचन में। और आज इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अभी दवाई ली है, बहुत ज़ोर का सिर दर्द हो रखा था, तो बस अभी थोड़ी सी देर इनका सिर दबा देते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और आजकल मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि काम कुछ ऐसा चल रहा है पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।